हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्नों को जोड़ने के लिए लघुत्तम समापवर्तक का सहारा लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक से हम भिन्नों को जोड़ेंगे। तो चलिए, भिन्नों को जोड़ेंगे और भिन्नों को घटाएंगे भी। तो देखिए, हम क्या करते हैं। पहले देखिए, हम एक प्रश्न लिए हैं। इसमें दिया गया है कि 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/2 धन 2 सही 1/3 तथा धन 2 सही 1/6। देख रहे हैं कि इसमें 4 भिन्न हैं, लेकिन चारों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, किसी के हर बराबर नहीं है। अगर इनके हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि हम उनके भिन्नों के हर को बराबर करेंगे। तो भिन्नों के हर को बराबर करने के लिए हम लसा पर लेकर के ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए, हम प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम इस भिन्न को सरल भिन्न में लिख देते हैं। जैसे देखिए, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, 11/4 हो जाएगा। और प्लस इसको लिख देंगे, हो गया 2 × 1 = 2, 1 = 3, 3/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको हम लिखेंगे 3 × 2 = 6, 1 = 7, 7/3 हो जाएगा। और इसी तरह से 6 × 2 = 12, 1 = 13 हो गया, 13/6 हो गया 6। देख रहे हैं, सबका हर अलग अलग है, 4, 2, 3, 6। तो 4, 2 और 3, 6 का हम क्या करेंगे, 4, 2, 3, 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो 4, 2, 3, 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 2, 3, 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। 12 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, 12 में आपको 4 से भाग देना है। तो 12 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बार गया। अब हम 3 को 11 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11 × 3 = 35। प्लस इसी तरह से सबके लिए हमें करना है। अब हम 12 में 2 का भाग करेंगे। जब 12 में 2 का भाग करेंगे तो 2 × 6 = 12, 6 बार गया। 6 का गुणा 3 में कर देंगे, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। इसी तरह से 12 में हम 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 × 4 = 12, 7 × 7 = 28 लिख देंगे। और इसी तरह 12 में हम 6 का भाग कर देंगे, 6 × 2 = 12, 2 आ गया, 13 × 2 = 26 हो गया। इतना हम कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इन सबको एक में जोड़ लेना है। तो इनको हम देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14, 14 × 8 = 22, 22 × 3 = 25, ये हो जाएगा 25। 8 × 6 = 14, 14 × 8 = 22, 22 × 3 = 25 हो गया, 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 7, 7 × 10 ये आ गया 105, 105/12 हो गया आपका टोटल, आ गया 105/12। अब 105/12 को आप इसको कर देंगे मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में करने के लिए आपको क्या करना है, आप 105 में 12 का भाग करेंगे। तो देखिए, हम यहीं पर आपको बता रहे हैं, आप इसको रफ पर कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, 105 में 12 का भाग करेंगे तो 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, नहीं जा रहा, 12 × 8 = 96 तो आ गया यहाँ पर 96, 15 में से 6 गए, 9 आ गया। तो इस तरह आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे 8 बार गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 सही 9/12, 9/12 को आप सरल कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। और इस तरह से आंसर आ गया कितना,
आ गया 8 सही 3/4। इसी तरह हम एक प्रश्न और हल करेंगे। देखिए इसमें देख रहे हैं दिया गया है कि 3 सही 1/2 -3 सही 1/5 +2 सही 1/3 -1 सही 1/4 इस तरह से दिया गया है। और इसमें आपको कह रहा है कि इसको देखिए जोड़िए और घटाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, जोड़ना और घटाना दोनों लगा है, माइनस भी लगा है और प्लस भी लगा है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 2 = 6 = 7 हो गया, ये 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 × 3 = 15 + 15 = 16/5 हो गया, और ये हो गया प्लस 3 × 2 = 7/3 हो गया, ये हो गया -4 × 4 = 5 5/4 हो गया। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना है 4 × 3 = 5 का लसा करना है, एलसीएम करना है। तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 60। आप एलसीएम कर सकते हैं, अगर एलसीएम आप सीधे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप भाग विधि या गुणनखंड विधि जिस जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। देखिए 60 ही आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें 60 में 2 का भाग करना है। आप क्या करेंगे, 60 में 2 का भाग करेंगे। जब 60 में 2 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 30 आया, 30 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 हो जाएगा 210। फिर माइनस देखिए, अब 60 में आप 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 × 12 आ जाएगा, 5 × 5 = 12 मैंने 12 आ गया। तो 12 का गुणा 16 करेंगे, जब 16 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 × 6 = 72 आया, 7 × 12 = 12 × 7 = 19 192 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब 60 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 8 आया, 20 आया, 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 20 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, आ गया 140। इस तरह आप यहाँ पर 140 लिखेंगे। फिर देखिए माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। अब आप 60 में 4 से भाग करेंगे तो 15 आया, 15 × 5 = 75। इस तरह से आपने भाग कर लिया। भाग करने के बाद अब आपको करना क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये भी धन है और यहाँ पर भी 192। अगर आपको अटपटा लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 210 में से 192 घटा लीजिए। देखिए सीधे सीधे कर लें तो 210 में से 192 घटाएं कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, 10 में से 2 निकलेगा 8 आ गया। अब यहाँ पर बचा 0, इससे लिए 10 हो गया, और 10 में से 9 हो गए 1 आ गया 18। इसी तरह देखिए आप इसमें भी कर सकते हैं, 140 × 75 10 में से 5 गए, यहाँ 5 आ गया, और देखिए यहाँ पर 13, 13 से 7 घटा दिए कितना आ गया, 6 आ गया, ये हो गया 6 और कुल के बटे हो गया 60। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 65 और 18 को एक साथ प्लस कर देंगे, 65 18 को प्लस कर देंगे। एक बार आप जोड़ को और घटाने को चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 10 हो गया तो 10 में 2 गए 8 आया, यहाँ पर 0 हुए इसलिए उधार हो गया 10, 9 1 आ गया यहाँ, और यहाँ पर देखिए 140 से 75 10 में 5 गए 5, यहाँ बचे 13, 13 7 6। तो अब इसको जोड़ देंगे 8 × 5 ये हो जाएगा 13 और 6 × 7 = 8 83 हो गया, 83/60 हो गया। अब आपको 83/60 को लिख देना है
मिश्र भिन्न के रूप में, तो मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे आप? 83 में इस तरह से 60 का भाग कर देंगे, तो देखिए 60 एकम 60 आया कितना, आ गया नीचे 30। इसको लिख सकते हैं एक सही, ये हो जाएगा एक सही, नीचे आ रहा है 23, आप यहाँ लिखेंगे 23/60। इस तरह से आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करना।